सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में और इस कंपनी का कम्प्लीटली फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। और इसके फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जिसे आपको और इन्वेस्टर्स को जरूर से जान लेना चाहिए। और साथ में इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, इसको प्राइस प्रेडिक्शंस टारगेट्स। तो बने रहे लास्ट तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। विकास लाइफ केयर लिमिटेड के अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में पिछले 1 सालों में इसने 124% रिटर्न्स दिया है, जबकि 52 वीक्स लो की बात की जाए तो 2.25 रुपए 2.25 रुपीज है इसका लो। और यहाँ से इसने बढ़ना स्टार्ट किया और हाई लगा दिया इसने ऑलमोस्ट 8 रुपीज और लगभग इसने 8 रुपीज का हाई लगाया 52 वीक्स हाई। और अभी करंट रेट की बात की जाए तो 5.70 रुपए भी करंट रेट देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। और इस कंपनी में रेड फ्लैग्स तो देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज गुड। विकास लाइफ केयर लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 663 करोड़ 663 करोड़ देखने को मिल रहा है। और रैंकिंग की बात करें तो 1179 नंबर पर रैंक करता है। एंड कंपनी जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में देखने को मिलती है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। विकास लाइफ केयर लिमिटेड के अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो देखो टोटल रेवेन्यूज जो है 2018 में 200 करोड़ 2019 में 220 करोड़ और 2020 की बात की जाए तो 158 करोड़ इसका रेवेन्यूज और 2021 की बात की जाए तो 84 करोड़ इसका रेवेन्यूज देखने को मिल रहा है 2021 में। और इसका रेवेन्यूज जो है लगातार 3 सालों से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 220, 158 और 84। तो यहाँ पर जो इसका रेवेन्यूज है उसमें लगातार 3 सालों से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जबकि नेट इनकम की बात की जाए तो देखो 2018 में 1.49 करोड़, 2019 में 2 करोड़ और 2020 की बात की जाए तो 1.4 करोड़। और 2021 में देखो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है -3.50 करोड़ इसका लॉस देखने को मिल रहा है 2021 में। तो देखो प्रॉफिट तो यहाँ पर कमा नहीं रही कंपनी, उल्टा लॉस देखने को मिल रहा है इस कंपनी में 1.49। देखो तीनों साल यहाँ पर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला और 2021 में इसने लॉस कर दिया जबकि इसको प्रॉफिट करना था, लेकिन इसने यहाँ पर लॉस दिखाया है। तो लगातार यहाँ पर इस कंपनी में लॉस देखने को मिल रहा है विकास लाइफ केयर लिमिटेड में। एंड सेकेंड चीज यहाँ पर देखो जो आपको धोखा मिल रहा है कंपनीज की तरफ से, तो यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 15% लगभग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है जीरो है, किसी भी तरह का यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और रिटेल अनादर्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 85% यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिटेल अनादर्स के पास। और प्रोमोटर्स के पास ओनली 15% देखने को मिल रहा है, जो कि किसी भी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग इतनी कम नहीं होनी चाहिए। और ये देखो जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है लगातार यहाँ पर हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। देखो इसका चार्ट जो है लगातार नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है प्रोमोटर की होल्डिंग। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर्स है वो अपनी ही कंपनी में इंटरेस्ट नहीं बना रहे, अपनी ही कंपनी को बेच बेच के यहाँ से निकलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इस कंपनी में लॉस देखने को मिल रहा है, कंपनी जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है लॉस कर रही है। तो प्रोमोटर को भी समझ आ रहा है कि इस कंपनी में रहना बेकार है और इस कंपनी में मेहनत नहीं करना है, और उसने जो है कंपनी को सेल करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर देखो 53% देखने को मिल रहा था इसका प्रोमोटर्स की होल्डिंग और अभी करंटली 15% के लगभग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि प्रोमोटर्स को जो इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, उसे भी लगता है कि इस कंपनी का अच्छे दिन कभी आने वाले नहीं है। और जैसा कि यहाँ पर अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ही नहीं है तो इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग यहाँ पर नहीं रहना जाहिर है। तो इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है और रिटेल एंड अदर्स के पास सबसे ज्यादा क्वांटिटीज देखने को मिल रही है। तो प्रोमोटर्स ने सारे शेयर्स जो है रिटेल एंड अदर्स को थमा दिए है और थमा कर यहाँ पर टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं। और अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए विकास लाइफ केयर लिमिटेड के, तो यहाँ पर देखो इसका टेक्निकल एनालिसिस में कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था इसने ऑलमोस्ट 5.10 रुपए पर। तो इसी सेम जोन्स पर हमें देखो प्राइस यहाँ पर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले तो प्राइस जो है इस लेवल के नीचे स्ट्रगल किया ब्रेकआउट करने के लिए, और इसने जब ब्रेकआउट किया तो देखो प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया और फिर प्राइस नीचे आया इसी सेम जोन को जो रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा था उसी को यहाँ पर इसने सपोर्ट जोन बनाया। और यहाँ से देखो प्राइस देखो कितना स्पाइक देखने को मिल रहा है और 5.10 रुपए से लेकर 5.70 रुपए यहाँ पर अभी करंट रेट देखने को मिल रहा है इस कंपनी का।
एंड यहाँ पर देखो एक पैटर्न जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ यहाँ पर फ्लैग पैटर्न था, देखो फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा था जो कि इसने यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर अगेन से एक फ्लैग पैटर्न बनाया इसने, ये मिनी फ्लैग पैटर्न बनाया और उसको इसने ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ से प्राइस जो हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कि करंट रेट जो है 5.70 रुपये देखने को मिल रहा है, 5.70 रुपीज़। तो यहाँ से अगर आप ऑलरेडी बाय करके रखे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपका जो लॉस अगर हुआ होगा ऊपर जोन पर अगर आपने लिए है तो वो आपका रिकवर हो जाएगा, जैसा कि पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है इसके चार्ट में। ऑल दो यहाँ पर जो इसका फंडामेंटल एनालिसिस है बकवास है, फंडामेंटल एनालिसिस में यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका चार्ट जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऊपर सेल करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो अगर आप इसमें लॉस में हो, ऊपर बाय करके रखे हो और लॉस में चल रहा है अभी, तो आप वेट करो क्योंकि प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब आपका प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ब्रेक इवन कर सकते हो। एंड इसका जो स्विंग हाई था ऑलमोस्ट यहाँ पर 8 रुपीज का स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, तो अगर प्राइस यहाँ से शूट अप करता है, उछाल लगाता है, तो हमें सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा 7 रुपए का 7 रुपीज। तो 7 रुपए का आपको रेजिस्टेंस जोन फेस करता हुआ देखने को मिल सकता है, और अगर 7 रुपीज का रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होता है तो आपको 7.95 रुपीज लगभग 8 रुपए का यहाँ पर सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा। तो आप इसमें बने रहे, आपको प्रॉफिट जरूर से होगा, इट विल मेक यू इन प्रॉफिट। सो आप टेंशन ना ले, यहाँ पर आपको ब्रेक इवन करने का मौका दिया जाएगा, तो आप इसमें ब्रेक इवन कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस लेवल पर तो आप कर सकते हैं, जैसा कि इसका चार्ट जो है हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन था वो ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ और फ्लैग पैटर्न्स भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो आपको यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, शूट अप कर सकता है। तो आप इसमें स्मॉल क्वांटिटीज एड ऑन कर सकते हैं, और अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं इस लेवल पर तो आप इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं, आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो आप इसमें जरूर से एवरेजिंग भी कर सकते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड में। सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको विकास लाइफ केयर लिमिटेड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।